जोर से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ये लोग तो ठीक हैं, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं फिर एक छोटे से व्लॉग के साथ। और आज का प्लान था मोहम्मद सबीर की थी बर्थडे, तो सोचा मोहम्मद सबीर को अपने साथ लेकर चलें और मोहम्मद सबीर के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लें। और सोहा जो कि मोहम्मद सबीर की छोटी सी सिस्टर है, ये कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह प्यार हो के। और ये सोहा को गिफ्ट भी मिला है, सोहा ने इसमें ठंडा पानी रखा जो पापा भी पियेंगे और सोहा भी पिएगी। और सोहा के देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये कूलर है, इसमें ठंडा पानी रहता है। ये देखें आप, क्या है सोहा? ये कूलर, इसमें क्या रहता है? सोहा ने कितने अच्छे पहने हुए, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही पहना है सोहा ने। सोहा इसको घुमा के पहन लेना, ऐसे करो घुमा के। हाँ, और ये मोहम्मद सबीर ऐसे मास्क लगाया हुआ है और SOP का मोहम्मद सबीर बहुत ख्याल रखते हैं। और देखो मैंने नहीं लगाया, मोहम्मद सबीर ने मास्क लगाया हुआ है, सोहा ने भी लगाया हुआ है। गुड गुड। तो हम लोग चलने लगे आगे, सफ़र का आगाज़ करने लगे। वीडियो को पूरी देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके चलो चले, आओ मेरे नाल। जी दोस्तों, दुआ पढ़ने लगे हैं सफ़र की। जब भी आप सफ़र में निकलें दुआ ज़रूर पढ़ें। चलो मोहम्मद सबीर स्टार्ट हो जाओ, दुआ पढ़ो, सब मिलते हैं। जी दोस्तों दुआ पढ़ ली मोहम्मद सबीर और सोहा ने, दोनों ने सफ़र की। ऊपर देखें बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना अच्छा व्यू आ रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी तरह आउटसाइड पे तो बारिश हो रही है पंजाब की साइड, तो बस अल्लाह पाक हमारे इस सिंध पे भी रहम करे और बारिश बरसाए, इतनी बरसाए कि हम बर्दाश्त कर सकें और मौसम खुशगवार हो जाएगा जब बारिश होगी। और अभी देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं कैमरे के अंदर कैसा कैप्चर कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। बस निकले हैं थोड़ा सा मोहम्मद सबीर के लिए कि मोहम्मद सबीर के साथ मिलके एंजॉय कर लें, और बस और कुछ नहीं। भाई कौन कौन से झूलों में बैठना है बताओ? बहुत सारे झूलों में। सोहा आपने नहीं, नाम तो होगा ड्रैगन वाले मजे मजे। पहले हम यहाँ से लेंगे छोटी सी निम्को और छोटे से चिप्स। हंसने वाली बात है वाकई, कसम से मेरे इस वर्ड पे हंसने वाली बात है, नो डाउट। जैसे बच्चे बोलते हैं चिप्स, तो उस तरह की चीजें जो है ना याद दिलाती हैं बचपन, रिफ्रेशमेंट। अच्छा दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जौहर में रहते हैं तो जौहर में रहने वालों को राडो बेकरी का ज़रूर पता होगा। राडो बेकरी जो है वो जौहर की फेमस प्लेस में से एक बेकरी आती है और काफ़ी अच्छी जो है इनकी चीज़ें, जब भी आप बेकरी सेलेक्ट करें जौहर में तो कोशिश करें राडो को सेलेक्ट करें। मोहम्मद सबीर जी, अपन लेकर आए जी, चले चलते हैं। फिर वीडियो आपने बनानी है ठीक है। देखें मैं आपको बताती हूँ, ये राडो की गली में, राडो बेकरी में हमारा स्कूल है। हाँ बिल्कुल, बताओ बताओ। द एपिक्स एजुकेशन।
जगह देख रहा हूँ क्योंकि किसी को परेशानी ना हो हमारी वजह से ना। हाँ, रोड पे ही खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमने यहाँ खड़ी की ना तो बस पीछे से गाड़ी वाले परेशान करने लगते हैं। यहाँ खड़ी करते हैं, सही है। माशाल्लाह, क्या बात है। चले भाई सबीर, मम्मा सबीर ने ले लिए अपने लिए सामान है। क्या लिया है? अच्छा, अच्छा लगता है आपको? चलो चले, देख के रोड पार करो। हाँ तो आ जाओ, मोहम्मद सबीर। सबीर जाने तू, बंदा है अभी जाने तू। बस कितना खूबसूरत मौसम है मोहम्मद सबीर, कितना प्यारा है। ये है जौहर, पुलिस थाने जौहर परफेक्ट चौक, किसी तारीफ का मोहताज नहीं है ये चौक, कराची के अंदर मशहूर चौक परफेक्ट चौक पुलिस थाने जौहर। और ये मौसम, और अगर ये बारिश हो जाती तो फिर उसमें हम सॉन्ग्स गाते हैं, ये मौसम की बूंदें, मौसम की बारिश है, मौसम बारिश की बूंदे। भाई प्लान चेंज हो गया है, प्लान नंबर वन की जगह प्लान नंबर टू हो गया है। प्लान नंबर वन था पीएफ, लेकिन बच्चों ने कहा प्लान वन को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि हर दफा वहां जाते रहते हैं, तो प्लान नंबर टू पे वर्कआउट चल रहा है। और हम लोग अब जा रहे हैं सिंधबाद, अब इनका जाने का है सिंधबाद, तो फिर अब सिंधबाद जाएंगे। भाई क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उन्हें जो है अच्छा लगा क्योंकि ये अभी लास्ट वीक गए थे अपने खालू के साथ, तो वो उनको वहाँ लेकर गए थे तो उनको पसंद आया, तो अब पापा के साथ जाने का दिल है। चलें वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या बना है, और मैं काफ़ी सालों बाद वहाँ जाऊँगा। ऐसा ही है, ट्रेन कैसे होने वाली है, ट्रेन नीचे करके बताओ, करके बताओ। ऐसे सोआ, ओहो चलो भाई देखते हैं, देखते हैं चल के देखते हैं। मोहम्मद सबीर तो देखिए वो जा रहे हैं, मोहम्मद सबीर बहुत एक्साइटेड हुए हैं, मोहम्मद सबीर इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं मोहम्मद सबीर। तो आप भी आगे आगे जाओ मोहम्मद सबीर के पास, मैं वीडियो बनाऊं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं भाई, बहुत एक्साइटेड हैं। बचपन में हम लोग, आप लोग और हम लोग भी इसी तरह एक्साइटेड थे या नहीं थे? ये देखें आप, छोटी छोटी खुशियाँ। इधर आओ दोनों, इधर आओ सबीर सोहा, खड़े हो यहाँ, खड़ो आप भी सोहा, देख उसको पकड़ो बहन को, रेडी इधर देखो, एक इधर से आए ना, इधर देखो दोनों रेडी, चलो बहन को उतारूं। चले चले, लेट्स गो, चलो
पैसा आप दे देना, मैं आ जाऊंगा 11-12 बजे। हाँ मेरे साथ ही है। सही। हाँ अच्छा ऐसे ही दोनों आओ, दोनों आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ ना, इधर देखो दोनों बैठेंगे। इतनी मोटी तो आ गई। ये कितना अच्छा लग रहा है। आप भी ऊपर देख लो। किसमें? ड्रैगन वाले ट्रेन में। ड्रैगन वाले में? हाँ। सही, चलो सही। चारों बैठेंगे प्लीज। चारों बैठेंगे ड्रैगन में। चलो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सिंधबाद में हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू भी है और बहुत ही अच्छा जो है वो पार्क बना हुआ है, नो डाउट। और मैं कम से कम कोई 6-7 साल बाद यहाँ आया हूँ। 6-7 साल पहले तो चेंज ही हो चुका था, अब ज़्यादा चेंज हो गया, पहले इतना वो नहीं था। ड्रैगन, ड्रैगन आ गई है, सोहा के लिए ड्रैगन में चलते हैं। कहाँ है ड्रैगन? अच्छा आपको पसंद है ड्रैगन? बहुत। कितनी? आ जाए भाई ड्रैगन में, आ जाएँ, एक्साइटेड हुई भी ड्रैगन। और चलते हैं देखते हैं। घूमने के लिए जा रहे हैं मोहम्मद सबीर, अभी खड़े हुए हैं मोहम्मद सबीर अपनी सिस्टर को लेकर और जाएंगे ड्रैगन में। ये ड्रैगन कार है, देख लें आप, ये जा रहे हैं ऊपर। अब इसके बाद इनका नंबर आएगा। हाय करो सबीर, सबीर, सबीर। मोहम्मद सबीर क्या प्लान है? प्लान क्या है? किसका है? और अभी जो बैठो ड्रैगन में तो कैसा लगा हैं? सोहा आप बताओ। चलो आ जाओ। सोहा डर गई ड्रैगन में ना, जितनी एक्साइटेड हुई भी थी उतना ही डर गई। हाँ चलो चलो जाएंगे। सोहा क्या देख रही हो? सोहा, सोहा, ओ सोहा मैडम, जूस पीना है, जूस पीना है। Thank you.
गरम गरम चाय दूध पत्ती का अपना ही मज़ा है दोस्तों। और जब लाइव बन रही हो तो फिर तो उसकी जो महक है वो आपको फ्रेश कर देती है। इसी तरह हम लोग भी सिंधबाद के एक जो है स्टॉल पे खड़े हैं जहाँ पे लाइव चाय बन रही है और हम आपको दिखा भी रहे हैं और उसका उसकी महक से फ्रेश भी हो रहे हैं। फ्रेश दूध है, अभी अभी आया मेरे पास। मेरे पास फ्रेश दूध आता है, लोकल दूध का मैं इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ भाजी। ₹60 सामने से टोकन मिलेगा। देखिए पाकिस्तानी स्टाइल, ये है केक जो कि फ्रेश है बिल्कुल, और इसके हम स्लाइस करने लगे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वाओ क्या बात है मेरी मिसेस की, कितने अच्छे स्लाइस किए उन्होंने। देखो आप, अब इनको हम मज़े मज़े से खाएंगे और आप देखेंगे इस चाय के साथ जो कि दूध पत्ती है। है ना मोहम्मद सबीर, बहुत मज़े मज़े से खा रहे हैं। मोहम्मद सबीर इतना इन्जॉय कर रहे हैं ना, यकीन जाने हम भी बचपन में ऐसे चिप्स खाते थे और इन्जॉय करते थे, शर्मा रहे हैं। ये देखें आप मोहम्मद सबीर इतना यार इन्जॉय। वाओ यार सोहा को देखे कैसे इन्जॉय कर रही है। वाओ सबीर आज फिल्म में क्या होगा जो कल देखी थी आपने, क्या लगता है वो मिल जाएगा लड़का? जो हम फिल्म देख रहे थे भूल गए आप इतनी जल्दी हैं? मैं यानी फिल्म नाम नहीं बताऊंगा। हाँ बताओ आप। हाँ दोस्तों यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है चाय के साथ केक खाने का। शाम में जो घर में एंजॉय करते हैं ना हम लोग फ्रेश होने के लिए, उस तरह का मज़ा आ रहा है। ये देखें आप दोस्तों, मोहम्मद सबीर अब बैठ चुके हैं और उन्होंने अभी स्लाइस जूस को कंप्लीट किया है, अब वो फ्राइज और चिप्स के मज़े ले रहे हैं। कैसा लग रहा है मोहम्मद सबीर आपको? आप सोचते हो कि ये बर्थडे तो मेरी रोज़ आनी चाहिए ताकि मैं इन्जॉय कर सकूं, और मेरी तरफ से और सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो, बहुत सब लोगों की तरफ से आपको विश। सबीर हंस के तो दिखा दो, ये कौन है? सोहा कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जूस फिनिश करके बैठी हुई है। ये देखें भाई, ये हैं फ्राइज,
जब आप नॉर्मली किसी भी जगह पार्क में जाते तो आपको मिलते ही हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। ये हमने बाहर से लिए थे, ये जो मैंने आपको राडो बेकरी बताए थे उसके चिप्स हैं, और ये हैं मिक्स लिमको। और ये जो है ना स्पेशल बात इधर की क्या है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है लाइव चाय जो मैंने आपको दिखाई है। अभी वीडियो में देखेंगे, आप देख भी रहे होंगे कि ये चाय बनी है लाइव और प्योर दूध की, मतलब कोई पाउडर वाला दूध नहीं है। इसे कहते हैं दूध पत्ती चाय, प्योर मज़ेदार। कहाँ जा रहे हैं आप? ओके, नाइफ लेकर आ जाओ। व्यू रात के टाइम ऐसा आता है, आप देख रहे हैं ये व्यू है आपके सामने सारा। ये देखें आप, लाइव आप देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं, आप तो वीडियो एडिट के बाद ही देखेंगे ना, हम लाइव देख रहे हैं। बहुत मेहनत की यार वीडियो बनाने के लिए, तो उसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। फाइनली दोस्तों अब आ गए हैं हम घर, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं व्लॉग बनाने के लिए, वो आप वीडियो में देखेंगे, देख चुके होंगे या देखेंगे आफ्टर एडिट। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे मोहम्मद सबीर, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मोहम्मद सबीर मज़ा आया, आगे एक दफ़ा बता दो वीडियो में, जल्दी से आ जाओ प्लीज़, आ जाओ ना, आ जाओ, तो 90 डेज पहले लिया, आ जाओ, कोई इशू नहीं, आ जाओ, मज़ा आएगा, आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ, नहाने के बाद तो ऐसे ही होता है ना। अब सभी ने 90 ड्रेस पहन लिया है, सभी फ्रेश हो गए, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, फिर कुछ ना कुछ करते हुए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।